गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंडी गंगा ऑनलाइन क्लासेस। सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नेम जो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, हमने जो है इस चैप्टर को हाफ जो है वो रीड कर लिया था। नेक्स्ट हम आ गए थे इरिगेशन पे। लेट मी स्टार्ट अवर बुक रीडिंग। ओके, पेज नंबर 62 है। पे अटेंशन इन योर नोटबुक्स एंड बुक्स। लेट वी स्टार्ट इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है? सिंचाई। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर है, चैप्टर में बताया था कि कैसे कैसे जो है फार्मिंग की जाती है और फार्मिंग कितने प्रकार की होती है, कमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद हमारा आया था सीजनल माइग्रेशन, मीन्स मौसमी प्रवास। उसके बाद है एडवांस टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, खेती में कौन कौन सी एडवांस टेक्निक्स चाहिए जिनके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में था हमारा बेटर सीड्स, मीन्स अच्छे बीज। नेक्स्ट अब हमारा आता है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। लेट मी स्टार्ट नाउ इरिगेशन। इरिगेशन इज द मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स बाय मीन्स अदर देन रेनफॉल। इरिगेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को पानी दिया जाता है या सिंचाई की जाती है। रेनफॉल है, लेकिन उसके बाद में अगर रेनफॉल नहीं होती है तो इरिगेशन के थ्रू हम लोग पेड़ पौधों में क्या देते हैं, पानी देते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स नीड सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर। बढ़ती हुई जो फसल होती है उनको पानी की बहुत ही ज़्यादा, मतलब सफिशियंट जो है पानी की आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है। रेन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है एक नेचुरल सोर्स है किसका, पानी का, टू द क्रॉप्स, बट रेनफॉल इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर कंट्री। रेन जो है हमारे देश में जो है एक नेचुरल सोर्स है पानी का, लेकिन ये क्या होता है कि कभी कभी सारी जगह जो पानी होता है, वर्षा जो होती है वो एक साथ नहीं आती है, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा भी हो जाती है, डिस्टर्ब होती रहती है। ऑल्सो कम सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर देन द अदर क्रॉप्स। कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, कुछ जो क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। हैंस अतः इन प्लेसेस दैट रिसीव स्केंटी रेनफॉल मीन्स ऑफ इरीगेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, अगर वहाँ पे वर्षा नहीं आती है तो वहाँ पे किसकी, इरिगेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो जाती है, मीन्स वहाँ पे इरिगेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटर फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स। बेटर फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स मीन्स अच्छी खाद और उर्वरकता। समटाइम्स द सॉइल लूजेज बेटर फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स मीन्स अच्छी खाद और उर्वरकता। समटाइम्स कभी कभी द सॉइल लूजेज इज फर्टिलिटी ड्यू टू वेरियस रीजन्स। जो मिट्टी है वो अपनी उर्वरक क्षमता को खो देती है कुछ रीजन्स के कारण, मीन्स कुछ कारणों से। बट गुड हार्वेस्ट इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम ए गुड सॉइल। लेकिन अच्छी फसल जो है अच्छी मिट्टी से ही प्राप्त की जा सकती है। हैंस द न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल फॉर अ बेटर यील्ड। फॉर दिस फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। यद्यपि क्या होता है, द न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी रिप्लेनिश्ड टू द सॉइल फॉर अ बेटर यील्ड फॉर दिस फर्टिलाइजर्स। किसान क्या होता है कि जब मिट्टी जो है अपनी उर्वरक क्षमता को खो देती है तो वो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उसमें जो है बेटर सीड्स या फिर बेटर फर्टिलाइजर्स और मैनर्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, मींस सरकार का इसमें क्या रोल है। स्मॉल स्केल फार्मर नीड टाइमली एड फॉर बाइंग सीड्स और फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस। जो छोटी श्रेणी के जो फार्मर्स जो होते हैं उनको मदद की ज़रूरत होती है, किस लिए, सीड्स खरीदने के लिए या फिर अपनी फसल को बेचने के लिए। तो हेयर इज़ व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर देम। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है
उन किसानों के लिए क्या करती है? फर्स्ट जो है लॉ इंटरेस्ट रेट्स टू बी लिवाइड ऑन एग्रीकल्चर लोन, और वो क्या करती है, किसानों को सस्ती कीमतों पर ज़मीन उपलब्ध कराती है। गवर्नमेंट जो है इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ये देखिए, लॉ इंटरेस्ट रेट्स टू बी लिवाइड ऑन एग्रीकल्चर लोन, उनको किसानों को क्या करती है, सस्ती कीमतों पर ज़मीन उपलब्ध कराती है। मेकिंग लैंड अवेलेबल टू द फार्मर एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और अच्छे बीज वगैरह जो है आसानी से उपलब्ध करवा देती है, या फिर मेकिंग लैंड अवेलेबल टू द फार्मर्स, और जो है भूमि भी उनको वहन योग्य दामों पर उनको उपलब्ध करा देती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इरिगेशन मेथड, और जो सिंचाई के जो साधन हैं उनको प्रॉपर वे में उनको उपलब्ध कराती है। इजी एक्सेस टू गुड सीड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, उपज की अच्छी कीमतें उनको मिल सके, ए मार्केट एंड गुड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, उपज की अच्छी कीमतें मिल सके, इजी एक्सेस टू गुड सीड, और उनको बेहतर जो है बीज प्राप्त हो सके, या फिर उपज जो है वो उनको अच्छे से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आपका आता है चेंजिंग फूड हैबिट्स, मीन्स बदलती हुई भोजन की आदतें। Ask your grandparents which fruit and vegetable were available and in which season. अपने दादा दादी से पूछिए कि कौन से सीजन में कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। पीपल एट वाटरमेलन इन समर एंड ऑरेंजेस इन विंटर ओनली। लोग जो हैं समर सीजन में वाटरमेलन खाते हैं और ऑरेंज खाते हैं विंटर सीजन में। बट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ऑल फूड आइटम्स अवेलेबल ऑल अराउंड द ईयर। वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर समर टू ईट लेडी फिंगर और फॉर विंटर टू रेलिश कॉलीफ्लावर। देयर आर वेरियस सीजन फॉर दीज चेंजिंग फूड हैबिट्स। पहले क्या होता था कि सभी को वेट करना पड़ता था कि ये वेजिटेबल जो है इस मौसम में आएगी तो हम लोग उसी मौसम में उसको खा पाएंगे, लेकिन आज के टाइम में बदलते हुए टेक्नोलॉजी की वजह से, बढ़ते हुए चेंज एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें अब नहीं है, हमें दूसरे सीजन का वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे वाटरमेलन हमें अब गर्मियों में खाना है और हमें सर्दियों में चाहिए तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, ठीक है, हमें उन सीजन्स का जो है वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, न्यू क्रॉप्स आ रही हैं और उनका इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है। मैनी फूड आइटम दैट वर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री अर्लियर आर नाउ रेडिली अवेलेबल इन द लोकल मार्केट, लाइक कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सीडलेस ग्रेप्स एक्सेट्रा। मैनी फूड आइटम दैट वर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, ऐसे बहुत सारे जो भोजन हैं जो कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं होते थे लेकिन आज के समय में वो लोकल मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं हमारे देश में। कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, सीडलेस ग्रेप्स है, ठीक है, आदि। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस, और ये किसकी वजह से हुआ है, साइंस बढ़ते हुए विज्ञान की वजह से। डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट्स की वजह से, ये नहीं कि टेक्नोलॉजी की वजह से, उसमें जो है ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। कीवी, कीवी तो आप सब लोग जानते होंगे, अब उसमें खाते हैं ना सबसे ज़्यादा, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो ड्रैगन फ्रूट ये देखो, सीडलेस ग्रब्स भी आ रहे हैं आजकल। नेक्स्ट आपका आता है एडवांस्ड स्टोरेज ऑफ प्रिजर्वेशन। रखरखाव के बहुत ज़्यादा एडवांस स्टोरेज जो हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ रही है कि उसकी प्रिजर्व कैसे करके रखें, संरक्षण हम किसी भी चीज़ का हम संरक्षण किस तरीके से करके रखें। परिशेबल आइटम आर नॉट नाउ अवेलेबल
राउंड द ईयर ड्यू टू एडवांसमेंट इन स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज। पहले क्या होता था, ख़राब होने वाले जो सामान होते थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे क्योंकि उनको प्रिजर्व नहीं किया जाता था अच्छे से। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि उनको प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे से की जा रही है, मीन्स संरक्षण जो है वो उसकी फैसिलिटीज़ जो है बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी फैसिलिटीज़ हो रही है। दे आर कैप्ड इन कोल्ड स्टोरेज, और उनको कहाँ पे रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में बहुत ज़्यादा रखा जाता है। दे स्टे फ्रेश एंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन ऑफ सीजन, और उसके बाद हम लोग उनको ले सकते हैं किसमें, ऑफ सीजन में, मीन्स उनका सीजन नहीं होता है तो भी हम उनको ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले क्या है कि प्रिजर्वेशन जो है बहुत अच्छे से नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है पेरिशेबल फूड आइटम का प्रिजर्वेशन जो है बहुत ही अच्छे से किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और क्या हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स इन द मार्केट नाउडेज, अब जो है खाद्य पदार्थ जो है बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थों की संख्या जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वेरिएड फूड हैबिट्स इन इंडिया, भारत के अंदर कौन कौन सी फूड हैबिट्स हैं, ऐसी हैं, देखिए, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विद अ वैरायटी ऑफ कस्टम्स ट्रेडिशंस क्यूशाइंस एंड ईटिंग हैबिट्स। भारत जो है एक बहुत ही बड़ा क्या है, देश है, जहाँ पे कि रीति रिवाजें, परंपरा, भोजन, ये सारी हैबिट्स जो हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है हमारे भारत के अंदर। देयर इज़ अ वेस्ट नंबर ऑफ डेलिकेशियस ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स इन अवर कंट्री ऑफ द कंट्री। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू न्यू अबाउट द स्पेशल फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट स्टेट ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश में जो है भोजन की जो है अलग अलग वैरायटीज़ और अलग कास्ट के थ्रू जो है अलग अलग तरीके का भोजन किया जाता है, परंपराएं हैं अलग से और उनके क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई हैं। फर्स्ट देखिए आप, स्टेट दिया गया है, फूड ईटन दिया गया है, स्टेट पंजाब में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो खाई जाती है, हमारे राजस्थान में कौन सी खाई जाती है और गुजरात में कौन सी खाई जाती है ना, स्पेशल डिशेज जो हैं, स्पेशल स्टेट्स की स्पेशल क्या होती हैं, डिशेज होती हैं। तो पंजाब में है मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, छोले भटूरे और अमृतसरी फिश। गुजरात में है ढोकला, थेपला, खंडवी, ढांसक, गुजराती खड़ी। महाराष्ट्र में है वड़ा पाव, पाव भाजी, श्रीखंड, थाली पीठ, पूरन पोली मोदक। तमिलनाडु में है इडली, डोसा, रसम, अप्पम, छेटीनद, चिकन। बिहार में है लिट्टी चोखा, सत्तू पराठास, झाल मुखड़ी, खाजा तिलकुट। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, प्याज कचौरी, मलाई घेवर, गट्टे की सब्जी और कलाकंद। वेस्ट बंगाल में है डोई मच, संदेश, डाब झिंगरी, रसगुल्ला, मिस्टी डोई। सिक्किम में है फगसप्पा, मोमोज, थुकप्पा, गंडरक, साइल रोटी। आंध्र प्रदेश में है बिरयानी, मिर्ची सालन, कोरी कोरा, गोंगूरा, पिकल। जम्मू कश्मीर में है रसगन जोश, दमालू, यखनी, गुस्तब्बा, तबाक मास, कलाड़ी चीज़। ये जो सारी चीज़ें हैं अलग अलग राज्यों में जो हैं खाई जाती हैं। ओके बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, रीडिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका होमवर्क जो है आपको अच्छे से रीड करना है इस चैप्टर को, और साथ में उसकी हिंदी भी करनी है, अगेन एंड अगेन आनी चाहिए आपको हिंदी। ओके, एंड डू वन पेज राइटिंग इन योर होमवर्क नोटबुक। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।